Assalamu alaikum friends, I am Mohammed Daud Kakar. Today's lesson is about relative pronouns. English lesson 18, relative pronouns. Read the following pairs of sentences. Darzel sentences ke pairs pe gaur karte hain. I met Ali, Ali has just arrived. You have found the book, you lost the book. Here is the mobile, you bought the mobile. Let's now combine each of the pairs into one sentence. अब हम तीनों pairs को एक एक sentence में हम combine करते हैं. I met Ali who has just arrived. You have found the book which you lost. Here is the mobile that you bought. इन तीनों sentences को हमने तीनों pairs of sentences को हमने one sentence में combine किया. Who, which and that. Let's examine the work done by each of the words. अब हम देखते हैं कि who, which और that क्या काम करते हैं. The word who is used instead of the noun Ali. It therefore does the work of a pronoun. Who noun Ali की जगह पे इस्तेमाल हुआ तो इसका work जो है वो pronoun का हुआ. The word who joins or connects two statements. It therefore does the work of a conjunction. Who ने प्रोनाउन होते हुए दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने मिलाने का काम किया तो लिहाजा इसका काम कंजंक्शन का हुआ. द वर्ड हु देयरफॉर डज डबल वर्क, द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन एंड आल्सो द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन. लिहाजा हु ने यहां पे डबल काम किया, प्रोनाउन का काम भी और कंजंक्शन का काम भी किया. इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन because it refers or relates, means carries us back to some noun going before. Here the noun Ali, which is called its antecedent. Lihada, who, which or that ko hum relative pronoun kehte hain, kyunki ye us noun ki janib hume wapas le jate hain, jo ke पहले आ चुका होता है और दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करते हैं. जो कि यहां इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में नाउन आली था, इसलिए हम इसको एंटीसिडेंट कहते हैं इसके. विच एंड दैट आर आल्सो रिलेटिव प्रोनाउंस इन द सेकंड एंड थर्ड सेंटेंसेस. दूसरे और तीसरे सेंटेंसेस में सेम which और that relative pronouns के तौर पे इस्तेमाल हुआ. पहले sentence में which who relative pronoun के तौर पे इस्तेमाल हुआ, दूसरे और तीसरे में which और that relative pronouns है. Forms of the relative pronouns. The relative pronoun has different forms. इनके मुख्तलिफ forms होते हैं. Nominative, इसके लिए हु यूज होता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों है. जेनेटिव, जिसको मलकियती या पॉजिटिव भी कहते हैं, हुज इस्तेमाल होता है. एक्विजेटिव में हुम या हु इस्तेमाल होता है. हु रिप्लेसेस हुम इन इनफॉर्मल इंग्लिश. इनफॉर्मल इंग्लिश में हु हुम की जगह पे इस्तेमाल होता रहा है. तो नोमिनेटिव, जेनेटिव और एक्विजेटिव तीनों फॉर्म्स के सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे है रिलेटिव प्रोनाउन में. फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन्स. दिस इज द बॉय हु प्लेज क्रिकेट और दिस इज द गर्ल हु प्लेज क्रिकेट. बॉय और गर्ल के लिए, दोनों के लिए हु का इस्तेमाल हुआ. दिस इज द बॉय हुज पेन इज स्टोलन. दिस इज द बॉय, दिस इज द गर्ल हुज पेन इज स्टोलन. यहां पे भी बॉयज और गर्ल दोनों के लिए हुज और दिस इज द बॉय हु ऑल प्रेज और दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज. दिस इज द गर्ल हु ऑल प्रेज. दिस इज द गर्ल हुम ऑल प्रेज. यानी गर्ल और बॉय दोनों के लिए हम हु, हुज, हुम और हु इस्तेमाल करते हैं. नोट, द फॉर्म्स आर द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. देखा गया यहां पे कि हु, हुज, हुम और हु, ये फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन जो है बराबर है सिंगुलर प्लूरल के लिए और मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए कोई इम्तियाज, कोई फर्क नहीं है. यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन्स. रिलेटिव प्रोनाउन्स कौन सा
कहां पे इस्तेमाल होता है? एज अ जनरल रूल, हु इज यूज फॉर पर्संस ओनली, इट मे रिफर टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन। हु जो है ये एक जनरल रूल है, एक आम कानून है कि हु जो है पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज हार्ड वर्कर इज लाइक्ड, दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। इन दोनों में आप देखें सिंगुलर और प्लूरल पर्संस यूज हुए हैं, तो हु का इस्तेमाल बतौर रिलेटिव प्रोनाउंस दोनों में हुआ। Which is used for things without life and for animals, it may refer to a singular or plural noun. Which चीजों के लिए या जो कि बगैर जिंदगी के बेजान चीजें होती है या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में फिर सेम यूजेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक विच आई बॉट इज इंफॉर्मेटिव, द डॉग विच आई प्रिफर्ड इज वाइट। इन दो एग्जाम्पल्स में एक में थिंग विदाउट लाइफ और दूसरे में एनिमल, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन दोनों में विच का इस्तेमाल हुआ, तो विच थिंग्स विदाउट लाइफ और एनिमल्स के लिए बतौर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। दैट इज यूज फॉर पर्संस एंड थिंग्स, इट मे रिफर टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल। दैट फिर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे पर्संस हो या थिंग्स हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यानी दैट को हम हु की जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं और विच की जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्टूडेंट दैट आई टोल्ड यू ऑफ, आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी। फर्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट पर्सन है, सेकंड सेंटेंस में थिंग है, दोनों की जगह पे दैट इस्तेमाल हुआ बतौर रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ। तो दैट का यूज दोनों के लिए, पर्संस और थिंग्स और एनिमल्स के लिए किया जा सकता है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस फॉर्म्ड बाय एडिंग एवर, सो और सो एवर टू हु, विच एंड व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। अगर एवर, सो और सो एवर को यूज कंबाइन करे हु, विच और व्हाट के साथ, तो फिर उनको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु एवर, whose, whosoever, whichever, whatever, whatsoever। इन ये जो वर्ड्स कंपाउंड बनाए गए हैं, ये बतौर प्रोनाउन यूज होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस का फंक्शन देते हैं, लेकिन इनको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं कि इनके साथ इजाफी अल्फाज एवर, सो, सो एवर के यूज हुए हैं, तो इसको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं।